दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय ट्रेसेस हेयर लॉस सोलन। अट्रैक्टिव दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, अगर आप भी फैशन की चाह रखते हैं तो बेझिझक चले आइए सोलन के ट्रेसेस हेयर लॉस में, जहां पर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको प्रदान करता है बेहतरीन सर्विसेज, वो भी सस्ते दामों पर। ट्रेसेस हेयर लॉस के मालिक पंकज ने बताया है कि यहां कस्टमर के लिए फेस्टिवल पर अट्रैक्टिव पैकेजेस उपलब्ध हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए। एनपीएस सीपीएस कर्मचारी महासंघ इकाई सोलन अपनी मांगों को लेकर रविवार को सांसद आवास पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई न हुई तो वह 26 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी संघ सीएनडी अध्यापक संघ द्वारा भी इस आंदोलन में सहयोग किया गया। इस दौरान प्रवक्ता ने कहा कि हमारे साथ पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है और हिमाचल पहला राज्य है जहां पर पेंशन बहाली के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को वह आगामी सत्र में उठाएंगे। आज राष्ट्रीय सीएनडी अध्यापक संघ जिला सोलन की कार्यकारिणी और पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए एक दिन के उपवास के लिए हम ओल्ड पेंशन के लिए समर्थन कर रहे हैं और हम यह मांग करते हैं कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई है इसको बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन को शुरू किया जाए। हम सांसद जी से भी मिलने जा रहे हैं और उनसे यही मांग करते हैं। सीएनडी अध्यापक संघ भी समर्थन कर रहा है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। कर्मचारी महासंघ सोलन के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ खड़े हुए हैं, कृपया अंदर बैठ जाएं और वीरेंद्र कश्यप जी के निवास पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु कार्यक्रम एनपीएस के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हमारा जो डीपीएफएम कर्मचारी भी हमारा पूरा समर्थन है। ये जो अंदर आ जाएं, काला कानून सरकार ने लागू किया है 2003 के बाद, ये हमारे बुढ़ापे की जो गुजारे के लिए है बहुत व्यवस्था है। इसलिए सरकार से माननीय सांसद महोदय से हमने निवेदन किया है कि वो पार्लियामेंट में माननीय मुख्यमंत्री आवाज उठाई जाए और पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल किया जाए। मेरा नाम भरत शर्मा है, मैं राज्य सचिव एनपीएस कर्मचारी संघ का हिमाचल प्रदेश का सचिव हूँ। और जो हम लोग आज एनओपीएस के आह्वान पर यहाँ पर बैठे हैं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, पूरे भारतवर्ष में आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांसद के घर के पार उपवास पर बैठे हैं। एक दिन का ये प्रोग्राम है। हमारी जो मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाली, क्योंकि 2003 के बाद जो कर्मचारी हैं वो सब नई पेंशन योजना में आते हैं और उससे पहले पुरानी पेंशन योजना थी। और हम लोगों की केंद्र सरकार से यही मांग है कि हमें हमारी जो पुरानी पेंशन है वो दोबारा से हमें दे दी जाए, और इसी मुद्दे को लेकर हम आज एक दिन के उपवास पर यहाँ पर बैठे हैं। आगे क्या करेंगे आप इसको लेकर, इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ेंगे? इस लड़ाई को लेकर हम आगे तक जाएंगे। अभी हमने एक महीने का समय हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया है कि आप हम इस पर इस विषय पर जरूर कुछ ना कुछ करें। उसके बाद 26 नवंबर को एनएमपीएस ने दूसरा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर रखा है, उसमें हम संसद का घेराव करेंगे, क्योंकि बार बार राज्य सरकार से ये कहा जा रहा है कि केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला है। तो इसलिए हम केंद्र में प्रधानमंत्री के समक्ष को आज अपना ज्ञापन देंगे और उनके को एक महीने का समय दिया जाएगा कि आप इस पर कुछ अपने विचार रखें और आगे क्या करना चाहते हैं वो बताएं हमें। अगर वो नहीं हमें कुछ वहाँ से सार्थक प्रयास उनकी तरफ से होते हैं तो हम 26 नवंबर को दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। प्रदेश की इस तरह की दिक्कत आ रही है उनको? इस समय हमारे हिमाचल प्रदेश में 80,000 के लगभग कर्मचारी हैं जो इस एनपीएस में आते हैं, और दिक्कत ये आ रही है कि अभी सबसे मेन दिक्कत ये इस समय ये है कि केंद्र ने भी कुछ अधिसूचनाएं ऐसी हैं जो लागू कर दी है अपने केंद्र कर्मचारियों के लिए, वो अभी तक हिमाचल प्रदेश में भी लागू नहीं हो पाई है। पहले हमें ये कहा जाता था कि केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार राज्य में कांग्रेस है, तो इस वजह से हम लोगों को दिक्कत आती है वहाँ की अधिसूचना यहाँ लागू करने में। पर अब तो दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है तो अब किस बात की दिक्कत? जिस तरह से हमारा कर्मचारी, मान लो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए, हमारे किसी कर्मचारी भाई साथी घर नहीं पहुँच पाता, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और वो एक्सपायर हो जाता है रास्ते में, तो उसको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, जबकि केंद्रीय कर्मियों को ये व्यवस्था है। अगर दिव्यांग या दुर्घटना में कोई दिवंगत हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है। सी एस रूल
1972 मुताबिक, पर हिमाचल प्रदेश में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, जबकि एक साल से ज़्यादा हो चुका है इसको लागू हुए हुए दिल्ली में भी। तो हमारी मांग है कि जिस तरह से कल महिलाओं ने व्रत रखा था अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो हम लोग लंबी उम्र का करेंगे क्या अगर अपने परिवार को, हमें पेंशन नहीं होगी, हम किस तरह से अपने परिवार को पालेंगे। तो हमारी मुख्य मांग है कि आप दिवाली पे हमें भी एक स्वागत दे दें, पुरानी पेंशन को बहाल कर दें, और ये जो दूसरी अधिसूचना है दिव्यांग एवं दिवंगत होने वाली, जिसमें कर्मचारी के परिवार को पेंशन लगती है उनके ऐसी दुर्घटना में ग्रसित होने के बाद, तो वो एक अधिसूचना यहाँ हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द लागू की जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से आदित्य सोफत की रिपोर्ट।